तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई धमाकेदार और यूजफुल वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम खराब मोबाइल की बैटरी से 12 वोल्ट बैटरी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपको 12 वोल्ट बैटरी बनाने के बाद उसका जो चार्ज करने का झंझट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने 12 वोल्ट बैटरी में उसका चार्जिंग सिस्टम भी लगा रखा है, जिसको कि आप 5 वोल्ट चार्जर से चार्ज आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने इसको किस टाइप से बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसका था सभी को इंतजार आ चुके हो वीडियो यूट्यूब पर पहली बार। तो दोस्तों, इसके लिए हमने 3 साइज की पीवीसी पाइप की सीट ली है, जिसकी आपको साइज स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो या वीडियो को रोककर देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2 स्विच भी ले लिया और दोनों के लिए हमें यहाँ पे कट लगाना है। तो हम 2 यहाँ पे कट लगाएंगे और एक छोटा सा होल करेंगे, जो कि अभी आपको पता चल जाएगा क्यों हम यहाँ पे होल करने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट से होल को कर लेते हैं और इसको हम सोल्डर की सहायता से करेंगे, जो कि आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए फटाफट हम कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा था कि हमने 3 होल किया था, तो चौथा कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो उत्पन्न नहीं हुआ, इसका हमने उद्घाटन किया है, जो कि यहाँ पे हम एक चार्जिंग पिन लगाने वाले, जो कि आप देख सकते हो आपको सामने दिख रहा होगा। तो इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला था, उसी तरीके से आपको इस वीडियो को जल्दी जल्दी फैला देना, जिससे कोई भी बच्चा बूढ़ा बच्चे ना जिसके पास ये वीडियो ना पहुंचे। और वीडियो पहुंचे कैसे, उसके लिए आपको जल्दी से एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ठोक देना टनाटन, और वीडियो जल्दी सबके पास पहुंच जाएगी और आप वीडियो का मजा लेते रहिए। और इसको फेविकिप की सहायता जल्दी से फिक्स कर देते हैं। तो अब हमें लेना है कुछ खराब मोबाइल की बैटरी, तो ये हमारे घर पे बची हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी 12 वोल्ट बैटरी बना दी जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको, इसके ऊपर हमने 2021 लिखा है। तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी, पर हमने 2021 लिख दिया है, जिससे कि इस बैटरी को पता ना चले कि हम इतने पुराने, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो हम सभी बैटरी से आपको एक RGB LED चेक करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि सारी जो बैटरी है वर्किंग कंडीशन में है। तो आपको मोबाइल से जो बैटरी निकल चुकी है उसका यूज़ करना है, ना है कि आप अपने घर की किसी भी चलती हुई मोबाइल से निकालें, नहीं तो कुटाई बहुत ज़्यादा होगी। तो इन दोनों, देखिए जो बैटरी इसमें BMS नहीं लगा हुआ है, तो इन दोनों को हमें एक साथ कनेक्ट करना है। तो देखिए BMS कुछ इस तरीके का होता है, जो कि आप देख सकते हो। तो इन दोनों जुड़ा भाइयों को हमें एक साथ टैपिंग कर देना है, जिससे कि दोनों साथ साथ बने रहें। तो यहाँ पे हमें 2-2 भाइयों का ग्रुप बनाना है, तो दोनों को हम एक साथ जोड़ के दोनों को एक एक करके बना लेंगे। तो यहाँ पे दोनों जो भाई हैं 6-6 वोल्ट हमें अप्रॉक्स दे देंगे। तो इसको हमने सोल्डरिंग स्टेशन में लगा लिया है। तो इस सोल्डरिंग स्टेशन का जो वीडियो, इसको हमने इसके पहले ही अपलोड किया, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। तो देखिए, हमें यहाँ पे 6 वोल्ट लेने के लिए, जो कि इसका प्लस माइनस और प्लस माइनस करना होगा, तो इनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। जैसे कि एक बैटरी का जो प्लस है उसको दूसरी बैटरी के माइनस में कर देना, और दूसरी बैटरी का जो माइनस है उसको दूसरी बैटरी के प्लस में कर देना। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी आपको जोड़कर फिर आपको दिखाते हैं। तो ये जो आपको छोटा हथियार दिख रहा है, जिससे कि हम वायर को पकड़ के सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो इसका भी हमने सोल्डरिंग स्टैंड के साथ ही वीडियो अपलोड किया, उसी में भी हमने इसको भी बनाया है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। तो चलिए फटाफट हम इसको जोड़ लेते हैं। तो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए, इसका प्लस हमने इसके माइनस में कर दिया, इसका प्लस इसके माइनस में, और 2 यहाँ पे हमने वायर को निकाल दिया, जो एक प्लस है और एक माइनस हमारे मिल चुके हैं। तो वीडियो को आप रोक करके भी वीडियो को देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ आप देखिए, हम इसके ऊपर एक पट्टी लगाने वाले हैं, जिससे कि दोनों शॉर्ट ना करें, नहीं तो इनका जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पट्टी लगा दिया, जिससे कि शॉर्ट ना करें। और देखिए, हम इसका जो कि बॉक्स बनाना शुरू करेंगे। तो फटाफट से हम बॉक्स बनाते हैं और आप देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए और लाइक ठोकते रहिए। तो हमारा जो बॉक्स है बनके तैयार हो चुका है, तो इसके लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। तो अब हमें कुछ नट और बोल्ट ले लेना है। तो यहाँ आप देखिए, जो एक ऊपर वाला देखिए पीवीसी पाइप का सीट का टुकड़ा बचा हुआ, तो इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे 4 होल करना है। तो चारों हम यहाँ पे, जो आदमी होते हैं उनके पास 2 ही आँख होती है, पर इसके पास 4 आँख होगी, तो यहाँ पे हम चारों आँखों में इसको होल कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम फटाफट से होल कर लेते हैं, और देखिए होल भी हमने कर लिया है और इनकी आँखें भी हमने बना दी है। अब हमें क्या करना है कि जो नट बोल्ट है इनको एक एक में लगा के जल्दी जल्दी टाइट कर देना है। तो हमारे जितना तेज कोई नट कस ही नहीं सकता, तो बस एडिटिंग का कमाल है। और यहाँ आप देखिए, जो बैटरी उसमें देखिए जो प्लस माइनस है, इसमें 4 नट लगे हुए हैं, तो एक एक में हमें सभी का प्लस माइनस सोल्डर करते हुए चले आना है। तो आप देखते रहिए किस तरीके से हम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी कर देना है। तो ये सब तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। तो अब हमें क्या करना है कि हमें मेन कनेक्शन करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हो, तो आप लोगों को ऐसा कनेक्शन बताएंगे कि बिल्कुल हलवा जैसा लगेगा। तो अब हम यहाँ पे 2 कलर का वायर लेने वाले हैं, एक लाल और एक पीला। तो लाल तो कुछ सही है, पर पीला खैर छोड़िए। यहाँ पे देखिए, दोनों को हम देखिए चार्जिंग पिन में जोड़ दिए हैं, लाल और पीले को। और यहाँ पे हम एक चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स हम इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो 2 बैटरी हैं उनमें BMS नहीं लगा हुआ है, तो ये ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो BMS लगा हुआ बैटरी में, तो आप इसका यूज़ मत कीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम सभी का कनेक्शन कर देते हैं।
तो यहाँ आप देखिए हमने सभी का कनेक्शन कर दिया। आप चलिए हम आपको फटाफट से जूम करके दिखा देते हैं इसको नज़दीक से, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए जो बैटरी का, देखिए यहाँ पे बैटरी का प्लस, इस बैटरी का प्लस और देखिए दूसरी बैटरी का प्लस यहाँ पे आया हुआ है, और देखिए यहाँ पे दोनों का माइनस माइनस देखिए दोनों बैटरी का यहाँ पे आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जो दोनों माइनस है इसको डायरेक्ट हमें स्विच में लगाना है, और दोनों वायर निकाल के देखिए यहाँ पे हमें जो चार्जिंग मॉड्यूल जहाँ से चार्ज होता है उसके में माइनस पे सोल्डर कर देना है। तो देख सकते हो अब देखिए जो रेड वाला है, दोनों को देखिए हमने इसके प्लस वाले जोड़ा है, और डायरेक्ट देखिए एक में हमें स्विच लगाना है, एक में नहीं लगाना है। तो इसको हमने देखिए पहले होल नहीं किया था, इसको हमने बाद में कर दिया है। तो एक बैटरी का जो प्लस है उसको देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया है, और देखिए दूसरा जो प्लस है उसको हमने एक स्विच लगा दिया जो कि हमने बाद में लगाया था होल करके, जो कि आपको दिखा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए जो LED है इसका हमने कनेक्शन नहीं किया है, क्योंकि जो कि चार्जिंग मॉड्यूल से इसका काम चल जाएगा, हमने उसको लगा दिया था पहले कुछ दूसरा सोच के, पर अब जो कि इससे काम हो जाएगा हमारा, अभी हम आपको बता देंगे किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका देखिए चार्जिंग पिन में हमने दो वायर जोड़ के यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल में हमने पहले ही जोड़ दिया था। तो इस तरीके से कुछ कनेक्शन है, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो या वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सिंपल काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, तो आप वीडियो को कमेंट में पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो। तो अगर आपके पास पावर बैंक मॉड्यूल ना हो तो आप चार्जिंग पिन का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि थोड़ा धीमे चार्ज करेगी, पर जो कि 6 वोल्ट एक बार में चार्ज करना है तो आसानी से चार्ज कर देगी, जो कि अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से 6 वोल्ट चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने चार्जिंग मॉड्यूल लगा दिया था, क्योंकि BMS हमारे बैटरी में नहीं था जिससे बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है कि इसको इसके अंदर फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमने डबल साइड टेप लगा के चार्जिंग मॉड्यूल को भी देखिए यहाँ पे चिपका दिया, और बैटरी को भी हमने चिपका दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने चिपकाने के बाद इसको बंद कर देना है, तो ये जो कि हल्का धीरे चार्ज होगा पर आसानी से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 6 वोल्ट एक बार में चार्ज होगा। तो चलिए हम इसको फटाफट से पैक करके फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको देखिए हमने पूरा अच्छे से फिक्स कर दिया, अब हम इसको आपको चार्ज करके भी दिखा देते हैं किस तरीके से चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम देखिए चार्जिंग पिन को पहले लगा देते हैं, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए हमने कट लगा दिया जिससे कि हमें इसकी LED अंदर वाली दिखती रहे किस तरीके से ब्लिंक हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की लाइट जल रही है, मतलब कि अभी जो कि कोई भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। अब देखिए जैसे कि हम एक स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ देखिए रेड कलर की हो गई, तो हमारी जो एक बैटरी है वो चार्ज हो रही है, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर बैटरी फुल हो जाएगी तो फिर से ब्लू हो जाएगी, अगर ये बैटरी जो कि ऑन रहेगी यहाँ से स्विच। तो देखिए आप जैसे ही ऑफ करोगे यहाँ पे आप नीले कलर की बैटरी जो कि जल जाएगी। तो देखिए जैसे दूसरी बैटरी को, एक बैटरी को आपको बंद करके तभी दूसरी बैटरी चार्ज करना है। तो देखिए इसको देखिए हम जैसे कि ऑफ कर दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे जो कि ब्लू कलर की हो चुकी है, और हम देखिए ऑन करेंगे तो जो कि रेड कलर की हो जाएगी। तो जिस बैटरी में हमने देखिए ऊपर वाला स्विच लगाया है, अगर उस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तो आपको दोनों स्विच को ऑन करना होगा, और अगर आपको 12 वोल्ट लेना है तो ऊपर वाला जो स्विच है उसको ऑफ करना होगा, तभी आपको 12 वोल्ट मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे बीच में जो कि हल्का शॉर्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए दोनों में हमें 6-6 वोल्ट मिल रहा है, देखिए इधर वाले में 6 वोल्ट, उधर वाले में 6 वोल्ट। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि इस ऊपर वाला जो स्विच है उसको ऑफ हमें करना है। और देखिए फ्रेंड्स मल्टीमीटर जो खराब हो चुका है, नहीं तो हम आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको देखिए 12 वोल्ट जो कि LED लाइट है उसको हमें चेक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट पे वर्क नहीं करेगी, तो देखिए इस तरीके से इसको हम करेंगे तो नहीं करेगी। तो अब देखिए जो बीच वाला दो पॉइंट है इनको हमें देखिए आपस में आपको एक छोटा सा वायर लेकर इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो इसको कनेक्ट करने बाद देखिए जो स्विच है इसको आपको ऑफ रखना है, ऑन नहीं करना है, तभी ये देखिए वर्क करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट देखिए आसानी से हमें मिल जा रहा है, और देखिए जो कि लाइट है अच्छे से ग्लो हो रही है, और देखिए 6 वोल्ट पे जो कि वर्क नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट पे जो मोटर कितना स्पीड से चल रहा है, और देखिए 6 वोल्ट पे देखिए देखिए कुछ धीमे देखिए वर्क कर रहा है, और देखिए 12 वोल्ट पे काफ़ी तगड़ा हो जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि सोच जो कि हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, तो एक एक बैटरी हमारी 6-6 वोल्ट यहाँ पे दे रही है। तो देखिए 12 वोल्ट से चल रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट कर देना, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।